ओके, लास्ट लेक्चर इतना बना था ना, ज्यादा तुम दोनों आगे आ जाओ भाई, ना खाली आज। ना बनाया था अभी, ये वाला एलिवेशन कुछ तो बाकी है अपना, है ना? ये तो हम लोग ने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। नेक्स्ट एलिवेशन कौन सा है? एलिवेशन ए, ये अपने को नहीं चाहिए। अभी हम लोग एलिवेशन स्टार्ट करेंगे बी वाला, ठीक है? ये बी वाला, यहाँ पे अपना टीवी यूनिट है, राइट? इसका डिजाइन अपने को थोड़ा याद है डिजाइन? ये पोर्शन मार्बल है इसका, ये वापस फिन्स है, देन यहाँ पे इसने प्रोजेक्शन लिया है, इधर इनडायरेक्ट लाइट है, वॉलपेपर है, राइट? और यहाँ पे कुछ भी नहीं। हाँ, ये पैसेज वाला, ठीक है राइट। अभी सेम फंडा जो हम लोग लास्ट लेक्चर में बनाया था, लाइन लोग नहीं थे ना भाई, ऑप्शन मत रहना, आपको तकलीफ है मेरे को कुछ नहीं, अभी समझेगा नहीं क्या चल रहा है, ठीक है? अभी टेम्पररी मुझे ये सब चीज़ें ना हाइड करनी है, तो ज्योमेट्री हाइड, शिफ्ट जी, राइट? देन डिफॉल्ट लेयर्स में ही हम लोग बना रहे सब, बराबर। एक बार क्रॉस चेक कर लिया, लाइन टूल, ये पोर्शन मार्बल का इतना ट्रेस करके लेंगे, देन सेकेंड मार्बल, सेम कॉपी, ओके, स्नैप ऑन, स्नैप से एरिया बना के लेंगे इतना, राइट? एक बार मैं चेक करता हूँ बराबर है कि नहीं, ठीक है? यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे भी, ये भी, ठीक है, मैच कर लिया। देन स्प्लाइन में जाएंगे वापस, शिफ्ट, ये वाला एरिया बनाने का अपने को, वर्टेक्स पॉइंट मैच, सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट पकड़ा, चाहे तो मैं इसको लॉक करता हूँ, और डायरेक्शन मुझे चाहिए ये वाला, बराबर, मैच कर दिया इधर, बराबर है। सेम फंडा या ये वाला मार्बल भी, इन दोनों मार्बल के बीच में पिंस लगाए, बराबर, शिफ्ट से ये वाला एरिया कॉपी कर लिया, एक सेगमेंट ब्लॉक, सेगमेंट, हेलो, चेक करो, आवाज आ रही मेरी? पुणे स्टूडेंट्स, पुणे स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? ऑनलाइन 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 जो भी है, आवाज आ रहा है मेरा? अरे नहीं, उन्हें कनकवली आवाज आ रहा है क्या? अरे स्पीकर तो अच्छा, ठीक है, चल गया, ओके, चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ये शेप बनाया था,
रहने दो अभी बस। ये वाला मार्बल बनाने का है, सेम इसी फंडे से बना था, सेम फंडा है मेरा। सेगमेंट नहीं तो वर्टेक्स, आपको जो बेटर लगता है, जो ऑपरेटिंग के लिए आपको इजी है, एडिटिंग करना है बस। सेम यहाँ पे ये वाला पीस बनाने का है। एक्चुअली यहाँ पे कौन एक्स्ट्रा लाइन किस लिए? अच्छा तो मेटल पट्टी यूज करेगा। ठीक है, ये बोलते इधर लाइट है। ठीक है, ओके, एक्सट्रूड दीजिए उसके ऊपर। और प्रोजेक्शन कितना है? कितना होना चाहिए मिनिमम? चलो तब कितना होना चाहिए? भाई 12 बैल का 12 मतलब पट्टी बनती है, पण लावायचे मध्ये पिंच लावायचे। वो पैनल आता है मालूम है फाइबर का, पिंस बोलता वाला फाइबर का बोल्ट है, उसको ये बोलते हैं। मालूम है ना मटेरियल कितना साइज है उसका, थिकनेस कितना है, डेप्थ कितना है पैनल का साइज? 20 mm का आता है वो। डीपनेस डीप बोल रहा है क्या? बोल डेप्थ बोल रहा है राइट? अच्छा है, 10 फिट का आता है। 10 विड्थ में तुम लोग ज्वाइन करते हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो इसके हिसाब से अपने को मार्बल का पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो मार्बल बहुत पीछे रहेगा और ये आगे आएगा। अगर ऐसा दिखाना है तो वो बराबर है, तो मार्बल नॉर्मल अपना 12 और मटेरियल डाल के तो 15 पकड़ के चलते। और मुझे लगता है कि इसके थोड़ा पीछे कुछ पैनलिंग करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो मार्बल फिक्स करके फिर फिन्स लगेंगे, बराबर? ऐसा कुछ होगा। वो फिन्स लेते हैं, यही फिन्स कॉपी करते चाहे तो, यहाँ पे फिन्स बनाए थे हम लोग, आप ये भी कॉपी कर सकते हो। यही फिन्स यहाँ पे कॉपी करके रख रहा हूँ फिलहाल, और बाद में इसको एडिटिंग करेंगे। ठीक है, बार और बैठ गए, ये 18 का लिया है मैंने, और ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया मार्बल, थोड़ा ये मैंने 21 लिया है, 2-3 mm का डिफरेंस है। अपने को लगता है यहाँ पे 3D में बहुत डिफरेंस लगता है ऐसा, मैं जूम करके देख रहा हूँ, बट रियल में लाइफ में आपको MM मालूम है इनका थिकनेस कितना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बराबर ना? यहाँ पे 20 में सेंटर बराबर, इसको डिलीट मार देते हैं, नहीं चाहिए मुझे, इसको डिलीट मार दिया। ये वाला पार्ट है, अभी इसको कॉपी करेंगे। ये मुझे क्या करना है, ये इसका इफेक्ट देखना है कि अभी सिर्फ लाइन 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 दिख रहा है, बराबर ना? क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताएगा मुझे? इसका इफेक्ट चला गया है, तब दिखना चाहिए मुझे ऐसा कुछ। पर जैसे मैं इसको एडिटिंग करने आता हूँ तो सिर्फ मुझे लाइन दिखता है, उसका जो थिकनेस था, जो इफेक्ट था, वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? और वो मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ, कौन बताएगा? सूरज
स्पीचलेस। तो पहला बोलो एकदम पब्लिक है, बोला अगले विचार से काय करा लगे। सेल मॉडिफाई, सेल मॉडिफाई ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने जो एक ये दिया है स्वीप मॉडिफाई से मैंने थिकनेस दे दिया है। सेल डाल के कुछ मतलब नहीं है, क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस नहीं करते तुम लोग यार, नहीं करते ना, क्या करना पड़ेगा? ये बटन है, ये बताया था मैंने, शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ, क्या दे रहा? मेरे पास प्रूफ है क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड वीडियो है, मैंने बताया था, मुझे मालूम है। ये मैं ऑन करता हूँ और ये मुझे यहाँ पे सेट करना है। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इधर, बराबर देखते हैं बराबर बैठा है कि नहीं। और कुछ एडिटिंग करना बाकी है क्या? आपने थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, सही है इसकी पोजीशन। बार बैठा है कि नहीं, बस चेक करते हैं। एक्सटेंड करना पड़ेगा अभी, क्या करूं? अगर मैं फ्रंट में देखता हूँ या लेफ्ट में देखता हूँ मुझे कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि पीछे का ये अपोजिट साइड वाला एलिवेशन भी शो हो रहा है, बराबर। तो क्या करूँ, टॉप में जाके अपना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ आइसोलेट। आइसोलेट के लिए क्या करूँ, कमांड डालो आइसोलेट, फिर क्या करूं? अभी मेरा जो भी करूंगा ना तुम लोग को पूछ के करने वाला हूँ, नया रूल, तुम लोग मुझे बताओगे क्या करने का। क्या करूं, आइसोलेशन क्या शॉर्टकट है आइसोलेशन? अल्ट प्लस, बराबर बोल दिखा, अल्ट प्लस क्यू, अल्ट प्लस क्यू दबाएंगे तो आइसोलेट होता है, ठीक है। शिफ्ट कॉपी ये मैं मैच करता हूँ इधर, डायरेक्शन अपना रहेगा वाई, बराबर है वाई डायरेक्शन ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये फंडा लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या किया मैंने, इसको मैच कर दिया इधर, डिफरेंस दोनों के बीच में ये सब इक्वल है डिफरेंस। क्या मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये पॉइंट पकड़ा और सीधा ड्रैग करके इतना एरिया देता हूँ, इधर मैच किया, ये वाला पार्ट मैंने रेफरेंस दिया उसको, ठीक है। तो गैप मेरा बराबर है, अभी नेक्स्ट इसी को कॉपी करेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे अगेन सेम फंडा, यहाँ पे मैच, डिफरेंस यहाँ से लेके स्नैप ले। राइट, भी बचा कुछ है जो ओवरलैपिंग वगैरह जो दिखते हैं अपने को, वो डिलीट मार देंगे, ठीक है। इसको अनलॉक, ये मेरा ओवरलैप हो रहा है इसके अंदर, इसको पकड़ के भी यहाँ पे थोड़ा गैप है, यहाँ पे ये टच हो गया है और यहाँ पे नहीं है, बराबर ना, इसको एडजस्ट कर लेंगे, चाहे तो ये मार्बल थोड़ा एक्सटेंड करेंगे या फिर दोनों के बीच में इक्वल गैप रखेंगे। मार्बल फिंस दो फंडा है आपको, ये टच अगर दिखाना है आपको टच दिखाओ, अगर नहीं दिखाना है तो आप क्या करोगे, गैप दिखाओगे, है ना। ऐसा दिखा सकते हो या फिर वो मार्बल एक्सचेंज करो, दोनों में से आपको जो प्रिफरेबल रहेगा वो करो। एक ग्रू जैसा दिखेगा आपका,
के बीच में प्रैक्टिकल भी ऐसा रहेगा ना, जरूरी रहेगा। ओके बराबर, रीजन बराबर। ठीक है नेक्स्ट, इसको आइसोलेशन अपने को ऑफ करना है यहाँ से। ठीक है आइसोलेशन ऑफ, इतना मैंने बना दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, हाँ ऊपर सीलिंग में वो ओवरलैप हो रहा है तो फिर मार्बल का थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसका स्लैब लेवल ये है ना, ये उधर है ना। फॉल सीलिंग बनो ले, इसका हाइट बढ़ा देता हूँ। ओके फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाला एलिवेशन है ना, बी वाला मैं ऑफ कर रहा हूँ, और इसको पकड़ के आइसोलेट करता हूँ और बी वाला एलिवेशन ऑन करता हूँ। इससे क्या होगा, मैं काम करते वक्त मुझे इतना ही पार्ट दिखे, बाकी का पोर्शन टोटली हाइड हो गया। राइट, अभी यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा जिसके अंदर वॉलपेपर है, और ये पैसेज है वो नॉर्मल पैसेज है। यहाँ से लेके स्विफ्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके, मैं लाइन से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए बाद में अपने को वर्टेक्स ये सब चीजें मिलती है, तो अपने को रेक्टेंगल में नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं सब फंडा लाइन से ही बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसको बॉक्स बना सकते हो, फिर इसके अंदर पुलिंग करके वो डिप बना सकते हो, दोनों फंडा एक ही है, बनने वाला एक ही है, और कुछ अलग नहीं बनेगा। पॉली से कुछ अलग बनता है या इससे कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं, आपको आउटपुट से मतलब, और एडिटिंग आपको जो इजी जाएगा वो। अभी मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि दोनों का अटैच करना है, और ऑलरेडी मैंने एक लाइन से ऑब्जेक्ट बनाया था बराबर, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ। लाइन जो मैंने बनाई थी वो सिलेक्ट, राइट क्लिक, अटैच, और इसको कर दिया अटैच उसके साथ बराबर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर एडिटिंग कर लेते हो, आ जाओ। ओके ये मैच नहीं था ना, मैच करके ले लिया एक बार, फिर यहाँ पे भी मैच नहीं था। आप चाहे तो सेगमेंट वर्टेक्स जो भी आपको इजी है उससे, राइट ये क्या है बीच वाला, ये का है होल्डिंग है का साइड ला, हाँ सारना मार, ये यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इसके बाहर की तरह होल्डिंग लगने वाला है बराबर ना, डीपनेस अंदर रहेगा इसका, ये अपना डीप वाला एरिया है। ये पकड़ा, रेफरेंस पॉइंट ये दे दिया, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट पॉइंट हिल गया अपना, ये यहाँ पे होना चाहिए बराबर, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, ये रहेगी इधर ऐसा, इसके बाजू वाली लाइन, ये वाली लाइन। ओके बराबर समझा, क्या करो समझ में आ रहा है, बस देख रहा, कुछ भी रहे डाउट रहेगा तुरंत पूछने। ओके शिफ्ट जी, वापस यहाँ पे नॉर्मल, अंदर कुछ नहीं है, वॉलपेपर लगने वाला है, ज्यादा डिप बनाने की जरूरत नहीं है, ये लेवल पे रखेंगे तो भी चलने वाला है। वर्टेक्स में देखो यहाँ पे
दो वर्टेक्स दिख रहे हैं, फिर लाइन थोड़ा क्रॉस है, और भी मैंने किया था करेक्शन, वो बराबर नहीं हुआ है सर, मुझे लग रहा है। क्या करेंगे, टॉप से इसको मैच कर देंगे, ये भी बराबर है, यहाँ पे कुछ डबल लाइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ का पोर्शन बराबर है, ऐसा दिखना चाहिए, ये एक सिंगल लाइन, ये एक सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, बराबर ना, टॉप से देख रहा हूँ, प्लान में देख रहा हूँ, इसके अंदर वॉलपेपर बनाना है अपने को, अभी क्या करेंगे, शायद किसी का कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक क्लोन कॉपी, ओके, देन स्प्लाइन, बाहर का जो आउटलाइन है ये वाला, इसको करेंगे डिलीट, तो बचा हुआ अंदर का रेक्टेंगल, बराबर, इसका थिकनेस एक्सट्रूड देके कितना रहेगा, वो वॉलपेपर नॉर्मल हम लोग 1 mm का भी दिखा सकते हैं, बस हो गया, मार्बल नहीं वॉलपेपर लगा, बना रहा हूँ मैं, डिजाइन तुम्हारा है, बताओ क्या करें, ठीक है, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, आइसोलेट अल्ट क्यू, ओके बराबर है, बराबर है, टेप में बराबर है, सब बराबर है, और इसके ऊपर एक मोल्डिंग लगने वाला है, ये मोल्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल उसका क्या है, शेप कैसा है, ये आपको बनाना पड़ेगा क्या है, नहीं तो आप रेडीमेड मोल्डिंग नॉर्मल मिलते हैं बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स में, जैसे मैंने आपको ये बनाया था, थ्री का मैंने जो आपको साइड बताया था ना दो तीन फर्स्ट लेक्चर में, इसको नहीं मालूम हुआ अभी, ये वाला साइड का नाम लिख लो, और यहाँ से आप फर्नीचर जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए कोई भी, जैसे मोल्डिंग हो गया, ओके, ये वेबसाइट में जाने का अपने को, यहाँ से आपको जो भी एक्सेसरीज बेड प्लांटर सब मिलता है, इतने सारे कैटेगरीज है, ये सब कैटेगरी में से आपको जो चाहिए, दिन में आपको खाली 3 मिलेंगे, एक यूजर आईडी के लिए दिन में 3 मिलता है बस, फ्री, अगर आपका प्रो वाला आपने परचेस किया है तो आप अनलिमिटेड रख सकते, फिलहाल मुझे एक मोल्डिंग चाहिए, नॉर्मल एक मोल्डिंग, ये आपको ऐसा डेकोरेटिव मोल्डिंग्स ये सब मिलता है, रेडीमेड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे क्लासिकल में चाहिए कुछ, खाली याद रखना आप जो भी ले रहे हो ये प्रो वाला है या फ्री वाला है, यहाँ पे कैटेगरी है प्रो फ्री, फ्री वाले में जाएंगे, फ्री वाले में भी बहुत सारे ऐसा मोल्डिंग है, ये वाला मोल्डिंग है, सही है भाई, सुटेबल का जब सोचा लगे ना, ये वाला ले लो, हाँ ठीक है, ये वाला लेते हैं, इसको डाउनलोड करने के लिए पहले आपको यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, इसमें यूजर आईडी नहीं बना हुआ, देखते गूगल से कुछ मिलता है क्या, आईडी बनाना पड़ेगा इसमें, देखो सब फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसको वो बताऊंगा ना अभी, आगे आपको फर्नीचर दिखाऊंगा ना, तो जैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मर्ज करने का सब बताऊंगा, यहाँ पे मोल्डिंग लगने वाला है, तो फिर आप बाद में हम लोग डालेंगे, आप डाउनलोड करोगे कोई भी एक, ओके, इतना एरिया बन गया, ये सब ऐसा कुछ आपका बन रहा है, ये बीच में जो है ये क्या है, हाय हाय
अच्छा प्रोफाइल लाइट, ये दोनों मार्बल में से बीच में लाइट गिरने वाली, समझा समझा। उसका एरिया बनाना पड़ेगा, उसके पीछे जो भी मटेरियल लगने वाला है, पेंट लगने वाला है, उसके पीछे भी वॉलपेपर लगने वाला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ वो स्नैपिंग बराबर नहीं पकड़ रहा है, कोई तो प्लान में पकड़ रहा है, कोई तो एलिवेशन में पकड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, आड़ा टेढ़ा होगा। ठीक है, वर्टेक्स, और यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक कॉर्नर, ओके मैच हो गया। या कभी कभी क्या होता है, क्लिक दबा के माउस तुरंत हिल जाता है ना, तो बेजियर में चला जाता है, वो कॉर्नर में नहीं रहता, इसकी वजह से भी होता है। इसी का कॉपी बना लेंगे, स्प्लाइन कॉपी, ओके इतना ही है, बाकी सब यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लेन वॉल है। ठीक है, इसको एक्सट्रूड, और ये रहेगा बहुत कम, जैसे पीछे हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया उतना कुछ मटेरियल लगेगा, प्लाई लगेगा या कुछ, वही वॉलपेपर लगाने वाले हैं, मार्बल तो नहीं लगाने वाले, ऑलरेडी चिपके सब लोगों ने पकड़ा उसका, ज़्यादा पेंट करेंगे मोस्ट ऑफ, वो नॉर्मल एक MM का बस हो गया, वो पतला सा लाइन। यहाँ पे ये वर्टेक्स अप डाउन हो गया, ब्लॉक ये वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट कर दिया, यही कॉपी किया था मैंने, इसके वजह से सब ये इश्यू है। ओके सब बराबर, बाकी बराबर। इसमें कुछ डाउट अभी जितना बना, किसी को कुछ डाउट पक्का? किसी को डाउट? गर्ल्स आप क्या डिस्कशन करोगे? है डाउट? ठीक है ना, बोला बोला डाउट, मुझे बताओ ना क्या करना। हाँ क्या तल्ले करना, उनके साथ क्या हुआ, समझा नहीं कुछ? हाँ अच्छा तुम्ही मागाशी मी तेच बनत होतो, तुमचं काय चाललं होतं? काय डिस्कशन काय झालं, काय सुरेश काय झालं, काय प्रॉब्लेम झाला, काय झालं काय? यमी शिकवलं काय कळत नाहीये, काहीच कळत नाही, प्रॉब्लेम काय तो सांग, तुमचं डिस्कशन करायचं, दांडिया खेळणे का किधर जाणे का, बस हे म्हणणं आहे। काय झालं ते तो सांग, काय करतो
अरे क्या डिस्कशन था क्या? क्या हुआ, क्या डिस्कशन कर रहे थे जब मैं बना रहा था तो तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जल्दी बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुन रहे हो, फटाफट बताओ। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इश्यू क्या है वो तो बताओ। मार्बल है, मला सांग ना, मी बनवते, मला सांग ना, तिला सांगून काय फायदा। माझं बघ आता मला सांग, तू जर मार्बल थिकनेस घेतली, मी बोलतो ठीक आहे मार्बल आहे, मी ग्रू दाखवून सोडून दे, ती बोलते लाईट आहे, लाईट लावणार कशी तू? इथे मार्बल लावणार आहेस? अरे मग याचं प्रोजेक्शन जास्त घ्यायला लागेल आपल्याला। हे ड्रॉइंग कोणी बनवले? कोणी बनवले? तू बनवलीस? तू बनवले ड्रॉइंग? हे ड्रॉइंग कोणी बनवले ते तर सांगा, मग तुला माहिती ना काय तो। म्हणजे हे तुला म्हणायचं, हा जो पोर्शन आहे हा वाला हा मार्बलचा आहे आणि हे मागे प्लेन वॉल आहे। मग ठीक आहे ना, मटेरियल टाकताना आपण मार्बल टाकू। हे बघ हा मार्बल आणि याची मार्बलची थिकनेस सेम ठेवली, हा मार्बल डीप मध्ये ठेवला कारण ऑलरेडी आपण याच्या बाकी पॅनलिंग करतोय, थोडं पॅनलिंग आहे। क्या मटेरियल तो डाला नहीं अभी तक, ढांचा ही बना रही। ठीक है नेक्स्ट क्या, अभी वो देखते हैं। यहाँ पे अभी विंडो बनाना है, इसका अंदर जाने का एरिया तूने बनाया नहीं अभी तक। अरे इधर लॉबी है ना, ये बनवा लगे लगे। और यहाँ पे विंडो है, अभी मैं फिलहाल वॉल खड़ा कर देता हूँ, सब सब वॉल खड़ा कर देंगे ठीक है। और बाद में जो एलिवेशन, ये फंडा यूज करके उसके ऊपर करेंगे। और तू मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ड्राइंग देगी या नहीं देगी? अभी ऑनलाइन सब सुन रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, तो मैं इतना 8 महीने तक आ सकता। वॉल कॉपी करना है बस, ये वॉल कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे विंडो है राइट, वो दूसरा फाइल में था, वो फाइल नहीं मिला मुझे, इसलिए हमने वापस चालू किया था। याद है एलिवेशन के साथ बनाया था सब, अच्छा आणि जो आपण फक्त, हां तो आता एलिव्हेशन बनवून आणलं ना, तुझे एलिव्हेशन मॅच नव्हते, जस्ट आपण फक्त ब्लॉकिंग केलं होतं, ब्लॉक कसा उभा राहतो ते तुम्हाला दाखवलं होतं। तोच फक्त आता मी काय, तुझं एलिव्हेशन अजूनही इनकम्प्लीट आहे, हे इकडे काय मला माहित नाही, इथे काय मला माहित नाही, मॅसेज मध्ये काय माहित नाही। सो मग आता त्याच्या पुढे आपण काय करणार? एलिव्हेशन तर मी ऑलरेडी सगळे बनवून झाले माझे, इकडे विंडो आहे, हे विंडोचं एलिव्हेशन तू बनवलेलं आहे ते मला माहिती आहे, तिकडे विंडोचं एलिव्हेशन रेडी। इकडे काय, हे मेन होतं आपलं, हे सगळं आहे ते डिझायनिंग आहे ना, ते डिझाईन आता आपले कम्प्लीट नाही आहे, मी काय बनवू तिथे? पण आता सध्या फक्त आपण वॉल उभ्या करून टाकू एवढ्या सगळ्या, म्हणजे नंतर एलिव्हेशन आलं की त्याच्यामध्ये हे सगळं ट्रेस करून कंप्लीट करून देऊ। देन मग आपण जसं पुढे पुढे जाऊ, मटेरियल्स मग याच्यावरतीच, मटेरियल लाईट्स म्हणजे आपण फायनल करू काय करतो। फिलहाल मैं जस्ट ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, अभी ब्लॉकिंग इनकम्प्लीट है, वो ब्लॉकिंग कर लेते हैं और जैसा आएगा एलिवेशन वही सबसे कर लेंगे। वर्ल्ड क्यूब वॉल तो रेडी है ये पूरा, इसके अंदर अपने को
एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है, टेम्पररी कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर, मुझे मालूम नहीं एलिवेशन हाइट कितना है, मैं ऐसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला लाइन राइट क्लिक अटैच, इसके साथ अटैच कर दो, बराबर। अन आइसोलेट वर्टेक्स, ठीक है। ये वाला यहाँ पे वॉली है, तो वॉली है और यहाँ से कुछ एंट्री है, नहीं क्रॉकरी, यहाँ ये पूरा क्लोज है, इसमें क्रॉकरी यूनिट नहीं बनाया है, इसने यहाँ पे क्या बनाया है, ये वाला बनाया ना, हाँ वॉल का ट्रीटमेंट बना दे, ठीक है। ये वाला इधर रहेगा, ये मैंने कहाँ पे मैच किया था, बराबर, ठीक है। अभी हाइट देखते हैं, हाइट में क्या है, यहाँ पे एक्सेस है वहाँ पे, बराबर ना, तो यहाँ पे स्कर्टिंग देना है क्या, देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं देना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ मतलब, वहां पे है क्या, साइड में ऑन है क्या, नहीं तो देखना पड़ेगा। 150, 150 बहुत हो गया, 6 इंचेस का स्कर्टिंग। बीम हाइट कितना है, ये बीम हाइट अपने को कैसे मालूम पड़ेगा, ये एलिवेशन में से यहाँ पे अगर इसने बीम हाइट दिखाया रहेगा, दिखाना पड़ता है ड्राइंग में, सब दिखाना पड़ता है, देखते हैं एक बार इसमें ड्राइंग में क्या है। हाँ ये अगर मैं, ये मुझे नहीं मिल रहा तो मैं ये फॉलो करता हूँ, ये राइट, बराबर है ना, पर क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मुझे ज्यादा लग रहा है गड़बड़ तो नहीं। ज्यादा लिया, कमी कर दे तो हाइट कमी कर लेते, बीम हाइट भी दाखिल होती थोड़ी सोती, 750 लास्ट, 750 के ऊपर, हाँ ये बराबर है, सेवन 50 लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस था, ज्यादा डिफरेंस, विंडो रेडी, बराबर, अंदर का फ्रेम भी हम सब बना लेंगे, तब तक मैं ये वाला वॉल का एरिया है वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बार एरिया है, यहाँ से एक एंट्री दिख रही है अपने को, वॉल है, वॉल अगेन यहाँ पे एक एंट्री है, ये पूरी वॉल है, ये कॉलम है, दिख रहा है ना, ये बड़ा कॉलम है, फिर यहाँ से वॉल, यहाँ पे एक एंट्री है, वॉल एंट्री, एंट्री ये बंद है इधर, ठीक है। ये वॉल फटाफट फटाफट बना लेंगे, ठीक है। इसको डिलीट मार देंगे, बीच वाला एरिया नहीं चाहिए, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे वॉली है, ये वॉली है ऐसा, और ये ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में क्या है, ट्री है यहाँ पे आने के लिए। प्लान याद है कुछ किसी को, सबके दिमाग में प्लान है ना, ये बनाने दिया था अभी, सेवन सेवन इधर स्टेयर केस है, ठीक है। ये जो क्रॉस मारा है ना, ये वाला, ये उसका क्यूबिकल लिफ्ट है,
ठीक है, क्या किया मैंने? नहीं सर, पूछो ना। तो वॉल कॉपी किया था मैंने, बराबर। अभी मुझे यहाँ पे डोर बनाने का, डोर का खांचा तो बनाना पड़ेगा आपको, बराबर है। राइट क्लिक करेंगे, रिफाइन, दो वर्टेक्स मैंने डाल दिया, रैंडम वाइज किधर भी डाल दिया, बराबर। इन दोनों के बीच में दो वर्टेक्स और ऐड करेंगे। ओके, ये वर्टेक्स को मैंने ऊपर उठा दिया, यहाँ पे मैच कर दिया, ये वर्टेक्स को ऊपर उठाया, यहाँ पे मैच कर दिया, बराबर। अभी इसकी हाइट देनी पड़ेगी आपने, हाइट डालने के लिए करेंगे, ये वर्टेक्स को वापस जीरो लेवल पे लाएंगे, और यहाँ ये जो फंडा है यहाँ पे, ये ऑन होने के बाद आपको ऐसा दिखता है, ये मैं ऑन करता हूँ, ये ठीक है। वाई डायरेक्शन में डोर हाइट कितना रहता है? 7 फीट, 2100 मैंने डाल दिया। अभी मुझे विड्थ मालूम नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदाज से बना रहा था ये सब, अभी मैं सब अभी प्लान में देखते हैं, क्योंकि इसका एलिवेशन मेरे पास नहीं है इसके वजह से, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, ये वर्टेक्स यहाँ पे मैच कर दिया, ये वर्टेक्स यहाँ पे मैच कर दिया, जो वॉल थे वॉल प्लान में वर्टेक्स मैच कर लिया, मेरा डोर का खाचा बन गया। ठीक है, यही कॉपी करेंगे इधर, एडिटिंग देखना, एडिटिंग कितना फास्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दिया, वर्टेक्स से थ्रू ये पोर्शन मैच करना पड़ेगा, ये इधर है, ये इधर है, बराबर है, ये वाला पोर्शन मेरा इधर है, राइट। फिर यहाँ पे ये वॉल मैंने टोटल एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक, कंटिन्यू वॉल है, कोई बीच में ऑफसेट नहीं आ रहा है, बराबर है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी डोर है, यहाँ पे भी डोर है, दो डोर अपने को ऐड करने हैं। अभी तो मैं क्या करता हूँ, इसको आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं चाहिए कुछ, आइसोलेट। सेगमेंट में जाएंगे, ये तीन तीन लाइन, ये तीन लाइन सेलेक्ट कर दिया, अपने को कितना डोर ऐड करना है, दो डोर ऐड करने हैं, शिफ्ट दबा के कॉपी, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा किधर, ठीक है। अंदाज से दो मेरे को डालना है, आप ये यहाँ पे भी रख सकते हैं सब कुछ नहीं, पर ये डोर की पोजिशन मुझे मालूम थी इधर किधर है, कोने में, लेकिन एक बीच में किधर, राइट। अभी ये डोर जब मैं एक्सट्रूड करूंगा तो खाली ऐसा देखेगा, क्यों? क्योंकि वर्टेक्स एक दूसरे से अटैच नहीं हुए, यहाँ पे एक दूसरे से कोई अटैच नहीं है, एक शेप कंप्लीट नहीं हो रहा है, बराबर। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला वर्टेक्स है, सॉरी ये वाला सेगमेंट है, बॉटम वाली सेगमेंट वाली लाइन, इसको मारेंगे डिलीट। अभी इसका लूप कंप्लीट करना है आपने, कैसे लूप कंप्लीट होता है, समझो मैंने ये स्टार्ट पॉइंट पकड़ा, ठीक है, ये ऐसा जाना चाहिए, देन ऐसा वापस नीचे आया, ये वर्टेक्स, देन ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, ये ऊपर चला गया वापस डोर की जो विड्थ में, डाउन आया, यहाँ पे एक लाइन ऐड होनी चाहिए, देन सेम फंडा, यहाँ पे डोर का लूप कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा लाइन अपने को दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा? राइट क्लिक, कनेक्ट, याद है कुछ? ये वर्टेक्स से लेके ये वर्टेक्स कनेक्ट कर दिया, ये वर्टेक्स से लेके ये वर्टेक्स कनेक्ट कर दिया, ये वर्टेक्स से लेके ये वर्टेक्स कनेक्ट कर, ये तो ऑलरेडी कनेक्ट था, सॉरी ये कनेक्ट नहीं हुआ, बराबर। सेलेक्ट ऑल कॉर्नर, कोई बेजियर नहीं होना चाहिए, सब कॉर्नर होने चाहिए, एक्सट्रूड, अभी देखना, बराबर है, कुछ समझा नहीं इसमें से, कुछ समझा नहीं इसमें से, कोई टॉपिक, ये जो बना है इसमें से कोई फंडा समझा नहीं मुझे, ये समझा नहीं, आपने ये कॉपी किया उसके बाद क्या हुआ, हवे में चला गया,
थर्ड ईयर आपको आपको पढ़ा लो, बोला इधर पढ़ा लो, तुरंत चला, सब जागे ना, सोए कोई? हाँ, सबका से ऐसा लग रहा है सब सोए, आवाज ही नहीं दे रहे। ठीक है, इसको आइसोलेट में से बाहर आ गया, इसकी पोजीशन दे देते, ठीक है? ये तो बराबर बन गया, डोर सब डोर बन गए, इसी का कॉपी करेंगे इधर इधर, ये वाला लाइन को ही यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, अरे बाकी का सब जो एरिया है पूरा डिलीट मार दें कॉपी, ये डोर से लेके ये पूरा कुछ भी नहीं चाहिए, वर्टेक्स वर्टेक्स सबको मार दिया डिलीट, इसको भी मार दिया डिलीट, ये अपने को चाहिए। ठीक है, इसको एडिटिंग करेंगे, एक्सट्रूड बन गया, ये भी लाइन वॉल, ये अपना एलिवेशन, ये विंडो, ये मैंने बनाया था डोर वाला एरिया, ये पूरे सिंगल लाइन में तीन डोर बराबर है, और ये इसी का कॉपी करके बनाया हुआ ये वाला डोर, राइट? यहाँ पे प्लेन वॉल है, यहाँ पे प्लेन वॉल है, बस खत्म हो। आप चाहे तो इसी का कॉपी करो या फिर इसको कॉपी करो, कोई भी आपको जो भी थिकनेस मैच होता है वो डिलीट डिलीट एक्सट्रूड, ओके यहाँ पे मैच, इसको एडिट करेंगे, ठीक, यही लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी, एक्सट्रूड, ओके रेडी सब? क्लियर? अभी डोर क्या है आपका, हिडन डोर है या नॉर्मल पैनलिंग वाला डोर डालने वाले हो, प्लेन डोर बनाने वाले हो, आपके ऊपर है डिजाइन क्या है। ठीक है, ये बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने को, ये वाला एरिया क्या है या जिसने हिडन डोर बनाया है, और ये वाला पूरा पैसेज में क्या है डिजाइन है मुझे मालूम, इसलिए मैंने डोर अभी नहीं बना रहा, कुछ जस्ट ओपनिंग उसका रख रहा बना, और ये यहाँ पे पूरा क्या करने का है वो देख लेना, समझा? आई डाउट है, चलो देन यहाँ पे भी इसको पेस, ये पैसेज पे डिजाइन करेगा तुम्हारा, ते का है या वॉल वर्थी का ट्रीटमेंट है, और इकड़े पन का है, क्लियर? ये बार एरिया कैसा है वो भी बताइए, वो क्या है, तो इसमें से किसी को कुछ डाउट, तो जितना पूरा ओवरऑल लेक्चर हुआ उसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट फिर है, सब समझाए? सब समझाए? पूछो बिंदास, पूछो क्या डाउट है जो भी पूछो, जा पूरा आपको भाई, चलो ऑनलाइन और पूछते क्या।